हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सभ्या कुक। इस सभ्या में आपका स्वागत है। मैंने आपको हल्दी मसाले पारे बनाना सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने उसका थोड़ा सा डो बचा लिया था आपको पापड़ी बना के दिखाने के लिए कि कैसे पापड़ी बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उस डो का जो मैंने थोड़ा सा बचाया था पापड़ी बना करके। फिर आप फ्रेंड्स बना के देखिएगा आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बना के दिखा देती हूँ जो इतना सा डो मैंने बचाया था उसका पापड़ी बनाना। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसे छोटे छोटे पीस में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इसको देखिए एकदम पतला बेलना है, बिल्कुल ही पतला बेलना है। जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा और उसके बाद फिर हमें हल्का सा ऑयल लगा देना है इस पे। और ऑयल लगा करके इसको थोड़ा सा व्हाइट वाला तिल को बुरक देना है। देखिए फ्रेंड मैंने जैसे बुरका है, ये देखिए। फिर इसको कट करना है। आपके पास कोई गिलास होगा उससे भी कट कर सकते हैं या सांचा हो उससे भी कट कर सकते हैं, पर मेरे पास सांचा नहीं था तो मैंने इसे गिलास से कट किया है। आप देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं भी डाल रही हूँ इसे। देखिए फ्रेंड अब हम इसे कड़ा करेंगे तेल में। फ्रेंड देखिए मैं इसे अब दूसरा बेल करके तैयार कर लिया है। अभी हमारा एक हो रहा है। तिल को उसके लगाते इसमें थोड़ा थोड़ा दबा देना है। देखिए फ्रेंड्स एक बार का निकल गया हमारा, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने जो उस समय मसाले पारे बनाए थे हल्दी मसाले पारे वो इतने बने हैं, और इसका हमने थोड़ा डो बचा लिया था आपको पापड़ी बना के दिखाने के लिए। तो फ्रेंड देखिए ऐसा बना है। और आपको तलते इसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें हल्दी डला है तो इसका कलर पीला ही होना चाहिए क्योंकि मसाला पारा है ये। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये हल्दी और ये हमारी हल्दी नमक मसाले पारे हमारी रेडी हो गई है। और इसी के जो हमने मैदा गूंथा था इसको बनाने के लिए, और इसी का जो डो हमने थोड़ा सा बचा लिया था उसको सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए इसकी पपड़ियाँ बना के दिखा दी है। फ्रेंड बेसन की पपड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, पर कभी आप ट्राई करिएगा। ये मैदे की पपड़ियाँ जो होती हैं मसालेदार, जो हल्दी नमक और मसाले की जो पारे होती हैं, तो पारे की जो पेस्ट बचती है उससे पपड़िया बना के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। फ्रेंड आप जरूर ट्राई करिएगा। सिर्फ ये 300 ग्राम मैदे में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।